नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, फर्टिलिटी कंसल्टेंट इन नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी सिलीगुड़ी। आज हम जानेंगे कि ओवेरियन रिजर्व क्या होता है और इसे जानने के लिए क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ओवेरियन रिजर्व किसे कहते हैं। ओवेरियन रिजर्व ये बताता है कि हमारे अंडेदानी में एट प्रेजेंट सिचुएशन कितने अंडे हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि जन्म के साथ ये अंडे अंडेदानी में, फीमेल के अंडेदानी में आते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे इन अंडों में से कुछ अंडे समाप्त हो जाते हैं एंड बहुत कम ही अंडे रहते हैं जो महीने महीने ओविलेट करते हैं, जिससे प्रेगनेंसी आने के चांसेस रहते हैं। ये अंडे अगर एक बार समाप्त हो जाते हैं तो इन्हें बाहर से नहीं लाया जा सकता है, ना ही कोई मेडिसिन है जो इन अंडों को इम्प्रूव कर सकते हैं, कि संख्या को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर एक बार ये अंडे की संख्या बहुत कम हो जाती है तो मेनोपॉज जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये ओवेरियन रिजर्व, ये अंडे के रिजर्व को देखने के लिए हमारे पास क्या क्या टेस्ट है। ऐसे तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन आजकल सिर्फ दो टेस्ट पे हम रिलाई करते हैं, वो है AMH एंड AFC। AMH एक ब्लड टेस्ट है जो पीरियड के किसी भी टाइम किया जा सकता है, महीने में कभी भी किया जा सकता है एंड किसी भी टाइम किया जा सकता है। AMH की वैल्यू को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अंडे का रिजर्व कैसा है इस टाइम पे। AMH अगर लेस देन 1.5 है तो उसे लो माना जाता है, लेस देन 0.5 है तो वो बहुत ही लो कैटेगरी में AMH पहुंच गया है। 1.5 टू 4 अगर AMH की वैल्यू होती है, दैट मींस इट इज नॉर्मल वैल्यू, एंड मोर देन 4 बहुत पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में पाया जाता है। तो AMH की वैल्यू देख के हम अंदाज लगा सकते हैं कि आपके ओवेरियन रिजर्व की अभी क्या स्थिति है। सेकेंड टेस्ट है AFC। AFC है, ये फॉलिकल की काउंट है जो हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं। हम पीरियड के डे 2 में यूजुअली अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें अंडे में, अंडेदानी में कितने सारे अंडे हैं वो हम देख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि एट प्रेजेंट आपके अंडेदानी में कितने अंडे हैं। अंडे की संख्या एंड क्वालिटी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है एक अच्छी और आसान प्रेगनेंसी लाने के लिए। तो अगर आपका एज ज़्यादा हो रहा है एंड किन कारणवश ये सब अंडे कम होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एज। अगर एज ज़्यादा है, मोर देन 35 ईयर्स, देखा गया है कि अंडे की संख्या और क्वालिटी दोनों कम हो जाती है। अगर आपकी कोई ओवेरियन सर्जरीज हुई है कोई सिस्ट के लिए या फिर एंडोमेट्रियोमा के लिए, तो भी देखा गया है कि अंडे की संख्या कम हो जाती है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ अर्ली मेनोपॉज है, जैसे अगर आपकी मम्मी को, बहन को मेनोपॉज अर्ली एज में आ गया है, लेस देन 40 में, तो आपको भी हो सकता है। और यदि अगर आपने कोई कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है तो भी टाइम से पहले अंडे समाप्त हो सकते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, अगर आप स्मोक करते हैं तो उसके कारण भी अंडे टाइम से पहले समाप्त हो सकते हैं। तो अगर आपका एज ज़्यादा हो रहा है एंड अगर आप अभी प्रेगनेंसी के लिए प्लान नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप एक AMH टेस्ट करवा के देख सकते हैं। अगर AMH कम है तो यू कैन गो फॉर ओसाइट फ्रीजिंग और एम्ब्रियो फ्रीजिंग इफ फीजिबल, सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स इन बिकमिंग प्रेगनेंट इन फ्यूचर। थैंक यू।